स्वागत है आपका इलून क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए और आइए हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के संबंध में। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कौन कौन से वाद है जो सुप्रीम कोर्ट में संविधान की मूल संरचना आधारभूत संरचना से जुड़े हैं उसके बारे में बात की। यह जो हमारी कक्षाएँ हैं वो परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट वाला जो प्रश्न आता है उसमें यह प्रश्न आते हैं इस तरीके के, उसके बाद पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी बनाम राजनांदगांव किससे संबंधित है, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनके लिए यह कक्षा अति उपयोगी है। आगामी जो भी परीक्षाएं आएंगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, चाहे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, चाहे UGC नेट की हो, चाहे जो भी एक दिवसीय या उपयोगी है। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय में समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी से संबंधित जितने वाद हुए हैं उन सभी वादों को जानेंगे। उस वाद का क्या प्रभाव पड़ा, क्यों दायर किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, सरकार का क्या पक्ष था, इन सारी तमाम बातों को समझते हुए हम आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करने के पहले हम जानते हैं कि समानता का अधिकार क्या है। समानता का अधिकार तीन में सात प्रकार के मूल अधिकार थे जिसमें एक समानता का भी अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाग तीन के अनुच्छेद 14 से 18 तक कानून के समक्ष समानता, धर्म के समक्ष समानता, वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। हमारे संविधान में यह समानता का अधिकार है जिसमें अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, पांच अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, उसमें पूरी सब बातें लिखी गई है। रोजगार के संबंध में अवसर की समानता होनी चाहिए, धर्म के स्थान, धर्म लिंग जाति कहीं रह रहे हैं स्थान के आधार पर कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। अब इस पर जो संबंधित हमारे वाद है उसको हम देखते हैं। तो पहला हमारा वाद जो है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद अर्थात इंदिरा गांधी की सरकार थी राजनारायणवाद, यह सुप्रीम कोर्ट में फैसला, जितने भी वाद है सब सर्वोच्च न्यायालय के ही निर्णय पर आधारित हैं। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को लागू किया गया और अनुच्छेद 329(1)(4) को निरस्त कर दिया गया जिसे 39वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। न्यायालय के अनुसार यह खंड अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान किए गए समानता के अधिकार से वंचित करता है। न्यायालय के अनुसार यह संसद की संशोधन शक्ति से परे था क्योंकि इसने संविधान के मूल विशेषताओं को नष्ट किया था। इंदिरा क्या निर्णय था कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को लागू कर दिया। संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को क्या कर दिया गया, प्रश्न पूछेगा कि इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 के मामले में क्या क्या किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को लागू कर दिया और जो हमारा अनुच्छेद 329(1) का उपखंड 4 था उसको निरस्त कर दिया जिसे 39वें संविधान संशोधन के द्वारा उस अधिनियमित किया गया था, लागू किया गया था। अब क्यों इसको निलंबित कर दिया गया भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अनुच्छेद 329(1)(4) को निरस्त किया। तो न्यायालय ने यह कहा कि यह जो खंड है, खंड 4 जो जोड़ा गया है 39वें संविधान संशोधन के द्वारा, वह हमारे अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान किए गए समानता के अधिकार से वंचित करता है। मतलब ये जो खंड जोड़ा गया है 39वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो जो हमारा समानता का अधिकार है उससे क्या करता है, वंचित करता है, हटाता है, उससे दूर करता है। उसके बाद न्यायालय के अनुसार यह संसद की संशोधन शक्ति से परे था। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह जो आपने अनुच्छेद 329(1)(4) को जो आपने जोड़ा है 39वें संविधान संशोधन के द्वारा, वह संसद की संशोधन शक्ति से परे था। संसद मतलब संसद के पास इसको संशोधन करने की शक्ति नहीं थी। अब संसद के पास किसको संशोधन करने की शक्ति है, सब संविधान के सभी भाग को संशोधित कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है, लेकिन मूल अधिकार और जो आधारभूत संरचना से जुड़ा हुआ संविधान का भाग है उसमें संशोधन करने की शक्ति संसद की नहीं है क्योंकि यह संविधान की मूल विशेषताओं को नष्ट करता है। अब यह जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो इससे क्या हो गया, भारत में राजनीतिक संकट पैदा हो गया और इंदिरा गांधी सरकार ने क्या कर दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाद था इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया कि जो 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 329(1)(4) को जोड़ा गया था उसको निरस्त करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यह संविधान, यह
समानता के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, इस खंड को जोड़कर समानता के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, और यह जो संसद की संशोधन की जो शक्ति है उससे परे है। और तीसरी बात यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यह मूल विशेषताओं, संविधान की मूल विशेषताओं को भी नष्ट करता है। ये रही बात इसकी इंदिरा गांधी बनाम राजनीतिवाद 1975 की। उसके बाद वाद आया विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। SC से यहां मतलब क्या है, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट। तो अब विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला आया ठीक 24 साल बाद। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई अप्रिय हाव भाव, व्यवहार, शब्द या कोई पहल जो यौन प्रकृति का हो उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, विशाखावाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कर दिया, ऐसा कोई भी हाव भाव जो चाहे हाव भाव बोलना, उसके बाद इशारा या जो भी व्यवहार हो, या कोई शब्द के द्वारा या किसी पहल के द्वारा या किसी कमेंट के द्वारा जो भी बात है और जिसकी प्रकृति यौन प्रकृति की हो उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। अब संगठनों को अनिवार्य रूप से एक शिकायत समिति की स्थापना करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ कहा कि जितने संगठन हैं उनको क्या करना चाहिए, अनिवार्य रूप से एक शिकायत समिति की स्थापना करनी चाहिए जिसकी प्रमुख कोई महिला हो, और कार्यस्थल पर होने वाले, कहा इसमें सुप्रीम कोर्ट की संगठनों को अनिवार्य रूप से एक शिकायत समिति की स्थापना करनी चाहिए जिसकी प्रमुख कोई महिला हो, क्योंकि महिला ही शिकायत करेगी तो पुरुष देखेगा। 20 कर्मचारी हैं उसमें से 2-3 महिलाएं हैं, और कर्मचारियों के द्वारा रोज इस प्रकार के व्यवहार किए जा रहे हैं, तो वो महिला कहाँ शिकायत करने जाएगी, उसी अपने कर्मचारी के पास तो नहीं जाएगी। इसके लिए एक समिति होगी जिसकी प्रमुख कौन होगी, महिला होगी, तो वो अपनी बातों को कहने में सहज महसूस करेगी, सहजता का अनुभव करेगी, असहज नहीं होगी। तो कार्य प्रमुख हो, उसके बाद कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के विरुद्ध 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए उसे विशाखा गाइडलाइंस के रूप में जाना जाता है। बात ये पूछा जाता है कि क्या विशाखा गाइडलाइंस क्या है, तो जो ये विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइंस जारी की उसे ही क्या कहा गया है, विशाखा गाइडलाइंस। ये निर्देश किसके लिए था, यौन उत्पीड़न के संबंध में था। यौन उत्पीड़न के संबंध में था, किस प्रकार का यौन उत्पीड़न, अगर किसी संगठन में महिलाएं काम कर रही हैं, किसी संस्था में काम कर रही हैं, या किसी कोचिंग में महिलाएं बच्चियां पढ़ रही हैं, तो उसमें उस संगठन को, उस संस्था को एक शिकायत समिति रखनी चाहिए जिसकी प्रमुख कौन हो, महिला हो, जिसमें यौन प्रकृति के जो भी व्यवहार, हाव भाव या शब्द या पहेलियाँ, जो भी चीज़ें हो उसकी शिकायत वह महिला उस संगठन से कर सके, उस समिति से कर सके जिसकी प्रमुख कौन हो, महिला हो। उसके बाद क्या कहा गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न संविधान में निहित मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करते हैं। 14, 15 समानता का अधिकार, 21 जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, तो इसका उल्लंघन करते हैं। इसके साथ ही कुछ मामले अनुच्छेद 19(1) से प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के तहत भी आते हैं। ये तो मामला है ही, इस प्रकार के मामले हमारे जो संविधान में अधिकार हैं अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करते हैं, और कुछ मामले अनुच्छेद 19(1) वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन करते हैं। ये विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद था 1997 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह बातें कही। उसके बाद इसका प्रभाव क्या आया, संसद ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पारित कर दिया। अब यह भी प्रश्न पूछेगा कि संसद ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पारित कर दिया, कैसे पारित किया गया, इसके पीछे का क्या इतिहास है, तो बताया जाएगा कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था, उसी को ध्यानगत रखते हुए संसद ने इस प्रकार के अधिनियम को, कानून को बनाया और पारित किया। ठीक, यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से सुरक्षा करता है। यह अधिनियम क्या करेगा, कार्यस्थल पर जो महिलाएं कार्य कर रही हैं उनके यौन उत्पीड़न से सुरक्षा
करेगा, उनके यौन उत्पीड़न से सुरक्षा करेगा। अब इसके बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 में। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा कि तीन तलाक, जैसे तलाक तलाक तलाक, उसको क्या कहा, तलाक ए बिद्दत, तीन तलाक, तलाक ए बिद्दत को असंवैधानिक करार दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चित मामला था सायरा बानो बनाम भारत संघ वाद 2017 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए, अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि जो तलाक ए तिब्बत है, तीन तलाक जिसे साधारण भाषा में कहते हैं, यह असंवैधानिक है। इसके साथ ही साथ इस्लाम में कहीं भी, इस्लाम का अभिन्न अंग भी नहीं है। लोग कहते हैं कि तीन तलाक इस्लाम का अभिन्न भाग है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो मामला आया उसमें यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था सायरा बानो केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा कि तीन तलाक, तीन तलाक यानी तलाक ए बिद्दत असंवैधानिक है और इस्लाम का अभिन्न अंग भी नहीं हो सक नहीं है, अतः इसे अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता। लोगों ने कहा कि तीन तलाक क्या होता है, अनुच्छेद 25 के तहत इसको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में इसको मान्यता दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अपने निर्णय में यह कह ही दिया, स्पष्ट कर दिया कि जो तलाक ए बिद्दत, तीन तलाक है, यह असंवैधानिक है और यह इस्लाम का अभिन्न अंग भी नहीं है, इसलिए इसे अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का संरक्षण करने की जो स्वतंत्रता प्राप्त है इसके तहत इसको नहीं रखा जा सकता है और इसको निरस्त कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और न्यायालय ने यह भी कहा कि रद्द कर दिया, और न्यायालय ने शरीयत कानून 1937 की धारा 2 में दी गई एक बार में तीन तलाक की मान्यता को रद्द कर दिया, इसी अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन माना। जो यह सायरा बानो बनाम भारत संघ केस था 2017 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक ए बिद्दत, तीन तलाक असंवैधानिक है, इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं हो सकता है, इसलिए धर्म के संरक्षण और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत इसको संरक्षण नहीं दिया जा सकता है, इसको कैंसिल कर दिया गया। और उसी को आधार मानते हुए न्यायालय ने शरीयत कानून जो था 1937 में, उसकी धारा 2 को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और तीन तलाक की मान्यता को भी रद्द कर दिया। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को का उल्लंघन भी है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा संसद द्वारा, अब यह जब हो गया काम तो संसद ने क्या कर दिया, संसद द्वारा मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 पारित किया गया। यह कानून तीन तलाक को अपराध के अंतर्गत रखते हुए 3 वर्ष की सजा का प्रावधान करता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि तीन तलाक तलाक ए बिद्दत असंवैधानिक है, इसे खत्म कर दिया गया, तो इसका प्रभाव यह हुआ कि संसद ने मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 पारित कर दिया गया। यह कानून तीन तलाक को अपराध के अंतर्गत रखता है और जो भी अपराध होगा उसके लिए सजा का प्रावधान होगा, और तीन तलाक जैसे मामले में अपराध की सजा क्या है, 3 वर्ष की सजा का यह कानून प्रावधान भी करता है, 3 वर्ष की सजा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 है उसके तहत कितने साल की सजा का प्रावधान है, तो 3 साल की। इसके बाद सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया और अन्य का मामला 2020 में आया। सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया और अन्य 2020 का मामला आया। इसमें 17 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और अपने निर्णय में कहा कि जो हमारी भारतीय सेना में भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित महिलाओं को सेना में सेवा देने के लिए अस्थाई कमीशन दिया जाएगा, इसी के तहत जो अस्थाई कमीशन में महिला अफसरों की नियुक्ति हो रही है, इसी के तहत हो रही है। यह सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया और अन्य 2020 के मामले में 17 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय में कहा गया है कि जो हमारा भारतीय सशस्त्र बल है से संबंधित महिलाओं को सेना में सेवा देने के लिए अस्थाई कमीशन दिया जाएगा, परमानेंट कमीशन होगा। उसके बाद जो अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अस्थाई कमीशन के अनुदान को चुनने के चरण में महिला अधिकारियों के लिए विशेषज्ञता के सभी विकल्प पुरुष अधिकारियों के समान शर्तों पर उपलब्ध होंगे। मतलब ये नहीं कहा कि अस्थाई कमीशन तो दे दिया गया लेकिन पुरुष और महिला में विभेद नहीं किया जाएगा।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अस्थाई कमीशन के अनुदान को चुनने के चरण में महिला अधिकारियों के लिए विशेषज्ञता के सभी विकल्प पुरुष अधिकारियों के समान शर्तों पर उपलब्ध होंगे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? इस निर्णय ने महिला आबादी को अस्थाई कमीशन तक पहुँच प्रदान करके समानता के निदेशक सिद्धांत को बरकरार रखा। जो पुरुष और महिला समान होंगी लिंग के आधार पर समानता, इसको क्या कर दिया, इसको बरकरार रखा। उसके बाद भारत में विद्यमान लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करते हुए लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। यह फैसला लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मददगार साबित हुआ। यह भारतीय सेना में किसमें भारतीय सेना में महिलाओं के दीर्घकालिक नौकरी सुरक्षा प्रदान करके समान अवसर प्रदान करता है। उसके बाद यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों को बढ़ावा भी देता है। आइए सरासरी निगाह में देखते हैं कि समानता का अधिकार है, इससे संबंधित कितने वाद है। समानता का अधिकार पहले कहाँ है? हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 पांच आर्टिकल में। पहला मामला आया इंदिरा गांधी बनाम राज्य न्यायवाद 1975 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो हमारा जो अनुच्छेद 329A के खंड 4 को जोड़ा गया है उसको निरस्त कर दिया गया और कहा कि यह समानता के अधिकार को उल्लंघन करता है और यह हमारे संविधान की मूल संरचना को भी की विशेषताओं को भी नष्ट करता है, इसलिए इसको असंवैधानिक कर दिया घोषित करके इसको ख़त्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया कि इस प्रकार का जो संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया यह संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से परे है। इसका प्रभाव यह हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। उसके बाद विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का मामला आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह मामला ही था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित था, उससे जुड़े जुड़े मामले आए। इसका प्रभाव ये हुआ कि संसद ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पारित किया। यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं की उत्पीड़न से सुरक्षा करता है। उसके बाद एक मामला आया सायरा बानो केस 2017 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तलाक ए बिद्दत, जिसे 3 तलाक कहते हैं, गैर संवैधानिक है और जो शरीयत कानून था 1937 का उसकी धारा 2 को इन्होंने निरस्त कर किया और कहा कि इसके तहत यह तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता ही है, साथ ही से अनुच्छेद 25 के तहत जो धार्मिक अपने धर्म को मानने का संरक्षण का अधिकार दिया गया है कि आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, इस प्रकार के संरक्षण से इसको वंचित कर दिया, हटा दिया। उसके बाद इसका प्रभाव ये हुआ कि संसद द्वारा मुस्लिम महिला अधिनियम विवाह अधिनियम 2019 पारित किया गया। उसमें ये था कि 3 तलाक को अपराध घोषित कर दिया गया और ऐसे मामले आएंगे तो उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया और अन्य का मामला 2020 आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2020 को निर्णय सुनाते हुए यह कहा कि जो भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित महिलाओं को सेना में सेवा देने के लिए अस्थायी कमीशन दिया जाएगा। और इसमें न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले सुनाते हुए कहा कि अस्थायी कमीशन के अनुदान को चुनने के चरण में महिला अधिकारियों के लिए विशेषज्ञता के सभी विकल्प पुरुषों के समान होंगे, पुरुष अधिकारियों के समान शर्तों पर उपलब्ध होंगे। ये रही बातें समानता के अधिकार से संबंधित जितने वाद थे, 4 वाद हमने पढ़े। इंदिरा गांधी बनाम राज्य न्यायवाद 1975 में आया, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का मामला आया, उसके बाद सायरा बानो केस आया 2017, उसके बाद बबीता सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया और अन्य का मामला 2020 आया। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो कृपया ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने मित्रों तक भेजें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। आप अपनी बातें, अपने सुझाव, अपने विचार और अपने प्रश्न हमसे फ़ोन के जरिए भी पूछ सकते हैं। सुबह के 10 से रात के 10 बजे तक आप लोगों के प्रश्न भी आते हैं, आप लोगों के सुझाव भी आते हैं, इसलिए आप देखने वाले दर्शकों को, पाठकों को, मित्रों को, भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हमारा नंबर है 7081788388। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।